हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। सो जेके एसएसबी ने बड़े ही वेट वेट के बाद जो लिस्ट थी शॉर्ट लिस्ट कर दी है उन्होंने कैंडिडेट क्लास फोर्थ के लिए। सो अगर जेके एसएसबी की वेबसाइट पे जाओगे आप jkssb.nic.in, तो सबसे पहला लिंक जो होगा नोटिफिकेशन में आ रहा होगा कि प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ वेरियस डिपार्टमेंट्स यूटी वाइज और डिस्ट्रिक्ट डिविजनल वाइज जम्मू कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट कैडर सबके लिए इन्होंने जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं तो वो आ गई हुई है लिस्ट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या है, वो कौन सी लिस्ट आई है। तो ये मैं डाउनलोड करके रखी हुई है, ओपन कर लेते हैं इसको। हाँ, तो ये जो आई है लिस्ट, इसमें पूरे शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं इन्होंने कैंडिडेट्स। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो जिसमें पता है आपको कितनी जो सीट्स थी, तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्वालिफिकेशन। इसमें जो भी कैंडिडेट जिसकी ग्रेजुएशन होगी तो वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता है 10th थी। तो जो भी ग्रेजुएशन वालों के लिए बैड न्यूज़ है, तो वो नहीं कर पाएंगे। वैसे भी JKSSB ने पहले ही बताया था कि वो अलो नहीं करेंगे। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स देख लो आप। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, DOB सर्टिफिकेट लेके जाना है, 10th डिप्लोमा मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप देखेंगे, मैंने पुरानी एक वीडियो डाली हुई है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के, उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट DV में लेके जाने होंगे। तो वो आप देख लेना, उससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कैसे DV होती है, क्या प्रोसेस वहाँ पे फॉलो होता है। सो बाकी जो लिस्ट दी हुई है इन्होंने पूरी 879 पेजेस की लिस्ट है, तो यहाँ पे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका हो गया है तो कमेंट सेक्शन में बताना जिनका जिनका हो गया हुआ है। सो बस यही था, तो आप देख लें कि किनका किनका हुआ है। प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट हुए जो कैंडिडेट्स DV के लिए। सो थैंक यू।